इस धरती पर वो सब रो रही है जिनको हमने माता कहा। गौ माता भी रोती है, भारत माता भी रोती है, गंगा यमुना भी रो रही है, अपनी माँ जिसने जन्म दिया वो भी रो रही है, जिसने पाला वो भी रो रही है, जिसका दूध पिया वो भी रो रही है, जिनका जल पीकर तृप्त हुए वो भी रो रही है, जिसकी मिट्टी में खेले वो भी रो रही है। और जब वो रोती रहेगी तो हम कैसे सुखी होंगे। इसलिए अब खुद को तृप्त करने के लिए अपनी मर्यादाओं में जीवन को बांधना होगा। यहां किसी की कोई मर्यादा ही नहीं है, यहां सब दौड़ रहे हैं अपने अपने तरीके से। मैं आपको बंधन में बांधने के लिए नहीं कहती, लेकिन उदाहरण के लिए आप समझना कि जब घर में एक मुखिया होता था तो घर कितना व्यवस्थित चलता था। एक घर का मुखिया पूरे घर को व्यवस्थित करता था, क्योंकि पावर शक्ति सत्ता उसके हाथ में है और सबके भाव को मन को समझ करके सबको एक व्यक्ति प्रसन्न करता हुआ अपना जीवन अपना परिवार की गाड़ी को आनंद से आगे ले जा रहा है। लेकिन आज जितने लोग उतने ही मुखिया, हर एक व्यक्ति मुखिया है, हर एक व्यक्ति बड़ा है। अरे 2 वर्ष का बच्चा भी कहता है मैं इस घर का मालिक हूं। यहां सभी मालिक है, कोई किसी की सुनना चाहता ही नहीं है, कोई किसी को समझता ही नहीं है। जहां बड़ों का सम्मान ही नहीं है, एक छोटा सा बालक भी मालिक बन करके बैठा हो, जब इतना अहम बचपन से सबके मन में भर गया हो, भला वहां सुख कैसा, आनंद कैसा, शांति कैसी, परिवारों की व्यवस्थाएं कैसी। अरे कहीं तो समर्पण करना पड़ता है, परिवार की गाड़ी को चलाने के लिए किसी को तो सौंपना पड़ता है अपना जीवन। अभी हम सब मुखिया बने हैं, इसलिए सब रो रहे हैं क्योंकि किसी से गाड़ी संभलती नहीं, सबकी गाड़ियां इधर उधर टूट रही हैं, गड्ढों में गिर रही हैं, दुखों की खाई में गिर रही हैं, अधर्म पाप की खाई में गिर रही हैं। अभी सब अपने अपने तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। अरे जो चलाना जानता है वही तो मंजिल पर पहुंचाएगा। यहां चलाना जानते नहीं है लेकिन चलाने का प्रयास सब कर रहे हैं गाड़ी को। इसलिए ग्रस्त ग्रस्त बन गए हैं, ग्रस्त नरक बन गए हैं और परिवार उसमें झुलस रहे हैं, उलझ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और रोज रिश्तों को न जाने हम कहते हैं किसकी नजर लग रही, किसी की नजर नहीं है, अपनी ही नजर लग रही है, क्योंकि रिश्तों को समझा ही नहीं है, गाड़ी को चलाना आता ही नहीं है, बंधनों को बांधना आता ही नहीं है। आप सब कहते हैं कि बोलना बहुत मुश्किल काम है। हाँ मुश्किल तो है। अब यहां से 3 घंटे निरंतर बोलना 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 मुश्किल तो है, पर मैं एक बात कह दूं कि सुनना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आज का समय वो है कि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, सब बोल ही तो रहे हैं। पिता पुत्र को सुना रहा है और पुत्र उल्टा पिता को भी सुना देता है। सब चाहते हैं कि हमारी सुने, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, और इसलिए झगड़े हैं, इसलिए विवाद है। पर यहाँ कथा क्या कह रही है, यहाँ शौनकादि ऋषि सूत जी के चरणों में बैठकर सुनना चाहते हैं, यहाँ नारद जी भी सुनना चाह रहे हैं, यहाँ फिर वेद व्यास जी भी सुनना चाह रहे हैं, यहाँ फिर सुखदेव जी भी सुनना चाह रहे हैं, यहाँ फिर परीक्षित जी भी सुनना चाह रहे हैं। अपने से बड़ों से सब सुनने के लिए बैठे हैं। और फिर जब सुन लिया है, जब धारण कर लिया है, जब भीतर प्राप्त कर लिया है, उसी अमृत को फिर प्रसाद बनाकर दूसरों को बांट रहे हैं। जिसको अपनी गाड़ी चलाना ही नहीं आता वो दूसरे की गृहस्थी गाड़ी कैसे चलाएगा। कुछ शब्द मैंने लिखे थे कि हंसाएगा क्या औरों को पुष्प जो स्वयं खिलता नहीं, जलाएगा क्या औरों को दीप जो स्वयं जलता नहीं, वो दुनिया को संभालेंगे कैसे जिनसे अपना ही दामन संभलता नहीं।
अरे अपने दामन को तो संभालना सीखिए, अपने दायरे में रहना सीखिए, अपनी मर्यादाओं में रहना सीखिए, अपने जीवन का निर्माण करना सीखिए, अपने आप को देखना सीखिए, ये करने की अपेक्षा ऐसे करना सीखिए, फिर जाकर के कहीं जीवन समझ में आता है। और जब आपने अपना जीवन समझ लिया तब आप किसी को समझाने के अधिकारी बनते हो।